आपका नाम भैया? मेरा नाम है विनोद भाई जाधव। हाँ। मैं वडवियाला का रहवासी हूँ। हाँ। तालुको गढ़ा लगता है, गिर गढ़ा। हाँ। कितना दूर है यहाँ? यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और भैया आप यहाँ पे गवर्नमेंट में जुड़ने के लिए क्यों आए? मैं तो हमारा दलित ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए मैं साथ देने के लिए आया। अच्छा, आपके गांव में अत्याचार होता है? हाँ, अत्याचार होता है। अत्याचार होता है मतलब कोई मंदिर मंदिरों में नहीं जाने देने, और डेढ़ के पुकाटे, पसी कोई गलत काम में वो मारते, वैसा ही करते। जो जो उना में हुआ था, जहाँ चार लोग चमड़े उतार रहे थे, वैसा भी होता है? हाँ। तो वैसा जब होता है तो गांव में क्या करते हैं? गांव के जो दलित समुदाय है, तो एक बिरा दलित समाज के और लोग होता है, उसको बात करते हैं, वो हमारे साथ रह के बोलते है साथ में। लेकिन भैया अभी उना में जो हुआ उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये मूवमेंट जिग्नेश भाई जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये आपके हिसाब से मानसिकता में बदलाव लाएगा? हाँ, लाएगा। वो लाएगा। आपने देखा है आपके गांव में इसके बारे में दलित नहीं और समुदाय क्या बोल रहे हैं? वो तो बोलता है कोई भीम की ओर से वो। भीम की ओर से भीम की ओर चलो। नहीं भैया, मैं ये सोच पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो दरबार लोग हैं ना, किस गांव में सामतेर में, जब हमारे यात्रा, एक सेकंड भैया मैं उनसे बात कर रही हूँ, जहाँ ये जो हुआ सामतेर में उसके, और यात्रा जो सक्सेसफुल हुआ उसके बाद उसे उन्हें गुस्सा भी आया और गुस्सा दिखा भी रहा है। ऐसे ही हमारे जो समुदाय आगे बढ़ता जाता है, ऐसा यात्रा निकलता है, इससे और जाति के लोग जो डोमिनेंट है, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन्हें भी गुस्सा चढ़ता है। ऐसे आपके गांव में भी हो रहा है? हाँ, हमारे गांव में भी ऐसा चलता है। क्या चलता है? गुजराती में बोला तो गुजराती में। અમારા ગામમાં પણ આવી રીતે જ બનાવ બને છે, પણ પછી એકબીજાને સાથ સહકાર ભીમ ઓલામાંથી અમને મળે છે, બરોબર? બાબા સાહેબ કા જો ડ્રીમ થા, જો વો કરના ચાહતે થે સમુદાય કે સાથ, વો ક્યા થા? વો બિના જાતિ કે, જાતિવાદ કે, વો જાતિવાદ કે, એવું બધું બને છે, બરોબર? કોઈ અત્યાચાર બને છે, કોઈ માર મારતા માર મારે છે, થાય છે। તો આપ ઇસ મુદ્દા જો હૈ યે આપ સોચતે હૈ સમજતે હૈ કે યે ઇસ જો સમુદાય હૈ ઉસકા માનસિકતા મેં બદલાવ લાયેગા? વો તો લાયેગા ને, મને લગતા હૈ। ઠીક હૈ ભૈયા, જય ભૈયા, જય ભૈયા।